नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज हम आपको बताएंगे कि कॉलम की कास्टिंग जो है किस तरह से जो है वो अगर आप करेंगे, कौन सी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके कॉलम में हनीकॉम्बिंग नहीं आएगी, कॉन्क्रीट से बाहर आपका सरिया नहीं दिखेगा और कॉन्क्रीट का जो सरफेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो आपको दिखेगा और शटरिंग के बाहर निकलेगा और कोई भी कॉर्नर जो है कॉन्क्रीट का टूटेगा नहीं, आपके कॉलम का कॉर्नर जो है वो नहीं टूटेगा अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो आपकी कॉलम की शटरिंग है, जो फोम वर्क है, ये जो प्लेट्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं स्टील की प्लेट्स हैं और जब इन्हें लगाया जाता है तो लगाने से पहले आपको सबसे पहले उसके ऊपर उसकी सरफेस को क्लीन करना होता है। नीट एंड क्लीन जो है वो आपकी शटरिंग का सरफेस होना चाहिए और जैसे ही आप जो है वो सरफेस को क्लीन कर लेते हैं आपको उसके ऊपर जो है वो गाड़ियों का पुराना इंजन ऑयल जो होता है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर शटरिंग ऑयल जो है वो आप मार्केट से खरीद सकते हैं। तो शटरिंग ऑयल ज़रूर अप्लाई करें शटरिंग प्लेट्स के सरफेस के ऊपर। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप जो है वो शटरिंग ऑयल लगाएंगे और जब कंक्रीट को कास्ट करेंगे, कंक्रीट कास्टिंग के बाद जैसे ही समय पूरा हो जाता है 16 से 24 घंटे के बाद आप शटरिंग निकालते हैं। सर्दियों में कंक्रीट जो है वो देरी से सूखता है इसलिए हम कॉलम की शटरिंग को 24 घंटे के बाद निकालते हैं और गर्मियों में हम कंक्रीट कॉलम की अगर कास्टिंग करें तो कंक्रीट जल्दी जम जाता है गर्मियों में, इसलिए 16 घंटे के बाद आप निकाल सकते हैं। तो 16 घंटे के बाद या फिर 24 घंटे के बाद निकालने से अगर शटरिंग ऑयल आपके शटरिंग प्लेट्स की सतह पर अप्लाई किया हुआ है तो आसानी से आपकी शटरिंग रिमूव हो जाएगी, आपके कॉलम के कॉर्नर्स नहीं टूटेंगे। तो ये सारे फायदे आपको सिर्फ एक शटरिंग ऑयल लगाने से होते हैं। इसी के साथ जो है आप कंपैक्शन अपने कॉलम की अच्छे से करेंगे, कॉन्क्रीट की कंपैक्शन अच्छे से करेंगे। नीडल वाइब्रेटर मशीन के साथ आप कंपैक्शन कर सकते हैं जिसमें आपके वॉइड्स या फिर हनीकॉम्बिंग बीच में जो गैप खाली रह जाते हैं या फिर स्टील बाहर दिखता है, ऐसी समस्या जो है वो नहीं आएगी। और बहुत ही ज़रूरी बात, देखिए कॉलम की कास्टिंग को बेहतर करना हो या फिर अच्छे से कॉलम की कास्टिंग करनी हो तो आपको स्टार्टर ज़रूर बना लेने चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्टर बनाइए ताकि जो आपकी पूरी की पूरी शटरिंग है, पूरा का पूरा जो आपका कॉलम का फर्मा है, फोम वर्क है, वो पोजीशन में रखने के लिए स्टार्टर बने होंगे तो वो अपने जगह से डिस्प्लेस नहीं होगी, वो पोजीशन में रहेगी आपकी सारी की सारी जो फोम वर्क है कॉलम की स्टार्टर की मदद से। तो स्टार्टर आप ज़रूर बनाएं और स्टार्टर को कास्ट करने के बाद जैसे ही सूख जाते हैं उसके बाद आप स्लैब कास्टिंग का काम शुरू कर सकते हैं। जो लोग काम पर या फिर अपने साइट पर जो है वो स्टार्टर नहीं बनाते, बिना स्टार्टर के ही कॉलम की कास्टिंग कर देते हैं, नीचे जो सरफेस होता है आपके जो आपकी सब फ्लोरिंग है उसका जो सरफेस है वो बिल्कुल समतल नहीं होता या प्लेन नहीं होता, तो क्या होता है कि जो शटरिंग के नीचे से गैप जो है वहाँ पर रहता है और उस गैप से जो है सीमेंट स्लरी लीक हो जाती है जिसके बाद हनीकॉम्बिंग आपके कॉलम में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ से सीमेंट स्लरी जो है वो बह जाती है और जो आपके जो कोर्स पार्टिकल्स है जैसे कि एग्रीगेट हो गया आपका, वो वहाँ पर रेत होगी वो वहाँ पर जो है वो रह जाते हैं आपके कॉलम में। और कॉलम की कास्टिंग के बाद जो है वो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहाँ पर जो है वो हनीकॉम्बिंग हुई है या फिर सीमेंट स्लरी लीक होने से जो है वो सरफेस साफ नहीं निकला है। तो अगर आप भी अपने घर का काम करवाना चाहते हैं, आप भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी जो कॉलम की कास्टिंग है उसका काम जो है वो अच्छे से हो सके और आपका कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा लोड ले पाए और आपका घर भी मजबूत व सुरक्षित बन पाए। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।